आप लोगों ने तो देखा है ना सारा ऑडियो, वो खुद सोफा पे बैठ के हमें दिखा रहे हैं। अब पवन की बात न रखूं, गई थी वही सुनने ना, तो जो सुन के आ रहे हैं वो रख रहे हैं। 6-7 पुरुषों पे केस हुआ हो पड़ा है, चाहे वो खेसारी जी हो चाहे वो पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर एक नया मोड़ लिया है। अब इसमें खेसारी लाल यादव के ऊपर केस हो गया है। आखिरकार क्यों हुआ है, वीना मानवी ने क्या कुछ कहा, देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पिछले 3 दिनों से वीना मानवी पवन सिंह के फ्लैट मुंबई में थी। अभी जस्ट कुछ देर पहले पटना स्टेशन पे नजर आई, जहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने पहुंचे और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं। लग रहा है बोले हैं दीदी पूरा आपका मान सम्मान किए, हम बुलाने के लिए बोले, हम बोल भी दिए बुला लीजिए बैठा लीजिए, अब जब नहीं आई तो हम कोर्ट से समझते हैं, कोर्टे में मामला रह दीजिए, चीजों को अब हम जरा कोर्ट के थ्रू हैं। तो इस इंटरव्यू में एक खुलासा हुआ, पवन सिंह चाहते थे ज्योति सिंह के साथ बैठकर बातें किया जाए, लेकिन ज्योति सिंह नहीं पहुंची, वो बबीता मिश्रा के साथ जाना चाहती थी। और पवन सिंह 10 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी थे, लेकिन नहीं पहुंचने के कारण सब चीज बिगड़ गया। और पवन सिंह ने फैसला लिया है कि जो भी होगा अब कोर्ट में ही देखा जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा मैटर ये है कि खेसारी लाल यादव बीच में कैसे हो गया, खेसारी लाल यादव के ऊपर केस कैसे हो गया। तो अब तक तो पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, मे बी अक्षरा सिंह कर सकती है।